एकुंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन दिस वीडियो। सो गांधी ने सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का 1909 में सोचा था। उसने सोचा था, अपने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज। 1909 में गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें सोचा था कि अगर इंडिया अंग्रेजों के साथ कॉपरेट करना बंद कर दे तो इंडिया को एक साल के अंदर अंदर ये आजादी मिल जाएगी। उसका ये सोचना था कि इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से ही अंग्रेज हमारे देश में 200 साल से ज्यादा राज कर गए, अगर इंडियंस कॉपरेट करना बंद कर दे एक ही साल के अंदर अंदर आजादी मिल जाएगी। तो फिर 1909 में उसने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में 1909 में सोच लिया था। फिर 1919 में सोचा, शुरू करता है 6 अप्रैल को। उसने सोचा 6 अप्रैल 1919 को 1909 में सोचा था, और फिर इसने लॉन्च करने का सोचा उससे 10 साल बाद 6 अप्रैल 1919 को। फिर बड़ी रास्ते में रुकावटें आई, नहीं चल लॉन्च हो पाई 6 अप्रैल 1919 को। सोचा था इसने कि 6 अप्रैल 1919 को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देगा। फिर रुकावटों को पार करते करते नवंबर 1920 में एक और लास्ट रुकावट आई। वो लास्ट रुकावट ये थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मींस अंग्रेजों के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना। और कांग्रेस के अंदर ये थी कि इलेक्शंस, कोई कह रहे थे कांग्रेसमैन, कई कह रहे थे कि इलेक्शंस लड़ेंगे अंग्रेजों के साथ, कई कह रहे थे नहीं लड़ेंगे। अंग्रेजों के साथ कुछ भी कोऑपरेट नहीं करना तो मींस इलेक्शंस में भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस वालों के अंदर ना, लोगों के अंदर थोड़ी भूख थी पावर की, तो कही जाते थे कि हम अंग्रेजों के साथ काउंसिल इलेक्शंस लड़ेंगे, कही जाते थे नहीं लड़ेंगे काउंसिल इलेक्शन। तो फाइनली नवंबर 1920 को ये रुकावट भी पार हो गई। कैसे पार हुई? इस रुकावट को ऐसे पार करा गया, ये फाइनली हो गया कि अब कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ेगी अंग्रेजों के साथ। सो इस ये जब ना वाला ऑर्डर पास हुआ ना कांग्रेस के सेशन में, तो फिर उसके बाद जाके नागपुर सेशन में 1920 में ये अप्रूव हो गई, ये हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली 1920 के कैलकटा सेशन में। मैंने नागपुर सेशन बोल दिया, कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस में इसको अप्रूव कर दिया गया बेसिकली। सो कैलकटा सेशन में इसे अप्रूवल मिल गया कि जब सारी कांग्रेस के अंदर वो जो उनकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, कई कह रहे थे इलेक्शंस लड़नी है, कई कह रहे थे नहीं लड़नी है, फिर एक वोटिंग हुई जिसमें वोटिंग के अंदर ये पास हुआ कि कोई भी इलेक्शन कांग्रेस वाला बंदा लड़ेगा नहीं। तो फिर फाइनली ये मत पास होने के बाद कैलकटा सेशन में ये अप्रूव हो गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी जाएगी। ये अप्रूवल के बाद, कैलकटा सेशन ऑफ कांग्रेस में अप्रूवल के बाद फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो गई जनवरी 1921 में। फिर इस चीज का कईयों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक फायदा उठाया जस्टिस पार्टी में। ये शेड्यूल कास्ट लोगों की पार्टी है, इनको लगता था कि ये जो उनसे ब्राह्मण्स है ना, कभी इनको पावर में आने ही नहीं देते, तो इन्होंने फायदा उठाया कि ये तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, कांग्रेस में सारे ब्राह्मण्स की पार्टी थी तो कांग्रेस लड़ नहीं रही है इलेक्शन। तो इनको लगा था कि ये नॉन ब्राह्मण लोग थे, इनको लगा था कि अब ये मौका है पावर पाने का। मींस कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिया था कि हम अंग्रेजों के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो जस्टिस पार्टी ने सोच लिया हम इलेक्शन लड़ेंगे, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा तो जीत जाएंगे, मतलब इनके कैंडिडेट्स सीधा ब्रिटिशर्स के साथ बैठेंगे, पावर मिल जाएगी इनको। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाइनली शुरू हो गई। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कांग्रेस ने नहीं करा, बट जस्टिस पार्टी ने कर लिया। जो उनसी इलेक्शंस होनी कब थी? नवंबर 1920 में। सो इस इलेक्शन में कांग्रेस का मत पास हुआ कि इलेक्शन नहीं लड़ी जाएगी, कांग्रेस ने लड़ी भी नहीं इलेक्शन। एंड इस इलेक्शन में लड़ कौन गया? जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी थी और ये पावर में आ गई थी उस टाइम। ये मद्रास की पार्टी थी, मद्रास में इसकी पूरी यानी ये पावर में आ गई, इनको मौका मिल गया अपने आप को प्रूव करने का। तो अब उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुई, इसका आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि हमने अंग्रेजों के कपड़े पहनने बंद कर दिए। जो मैनचेस्टर नाम का शहर है ब्रिटेन में, जहां से सारे इंडिया में कपड़े बन के आते थे, कॉटन, इंडिया की कॉटन सारी जाती थी मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर में फैक्ट्रियां उस कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट करके इंडिया भेज देती थी।
तो क्या हुआ 1921 और 22 एक ही साल के बीच में, मींस 21 को लॉन्च हुई, एक ही साल के अंदर अंदर हम पहले यानी इंडिया इंपोर्ट करता था कपड़ा ब्रिटेन से 102 करोड़ का, अब कितना करना शुरू कर दिया 57 करोड़ का, मींस आज ही हो गए इंपोर्ट, इंडियन इंपोर्ट, मींस लोगों ने तो बॉयकॉट कर दिए थे अंग्रेजों के कपड़े। तो ये आफ्टर इफेक्ट हुआ कि जो हमारे पहले कपड़े अंग्रेजों से 102 करोड़ के आते थे वो 57 करोड़ के रह गए, यानी इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्लोथ्स रिड्यूस टू हाफ, आधी हो गई थी ब्रिटिश क्लोथ्स। उसके बाद बॉयकॉट करे, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट करे, इवन जो लिकर शॉप्स थी ना वो भी पिकेट कर दी। पिकेटेड का मतलब पता क्या होता है, ये पिकेटेड के स्पेलिंग लिखी है, किसी चीज की ना एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाना और किसी को अंदर ही ना जाने देना। जोनसी शराब की दुकानें थी ना, लिकर शॉप, जोनसी लिकर शॉप थी, वहां पे सारा ब्रांड अंग्रेजों वाला मिलता था। तो इन्होंने क्या करा, इंडियंस ने ये लिकर शॉप पिकेट कर दी। तो लिकर शॉप की एंट्रेंस के बाहर इंडियंस खड़े हो गए, एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाते थे और किसी को खरीदने ही नहीं देते थे, इसे पिकेटेड कहते हैं। किसी भी चीज को पिकेट करना मींस उसकी एंट्रेंस के बाहर खड़े हो जाना और किसी को जाने ही ना देना। जो उनकी शराब वाली दुकानें थी वहां पे सारे अंग्रेजों के ब्रांड्स ही बिकते थे। तो इंडियंस को था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक ये भी हिस्सा बनाते हैं कि शराब की सारी दुकानों के बाहर हम इंडियंस खड़े हो जाते हैं और किसी को अंदर ही नहीं जाने देंगे। तो ये भी हो गया, लिकर भी अंग्रेजों की बिकनी कम हो गई, कपड़े भी बिकने कम हो गए। पर अब प्रॉब्लम क्या थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इवन कईयों ने अपनी नौकरियां भी छोड़ दी, सरकारी टीचर्स ने अपनी गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ दी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से, कई पुलिसमैनों ने अपनी जॉब्स क्विट कर दी। तो अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, गांधी ने तो ये बोल दिया था, गांधी ने ये बोल दिया था कि इंडिया अगर नॉन कोऑपरेट करेगा तो इंडिया को आजादी एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगी, ये तो होगी थी बात, तय हो चुकी थी। बट ये तय होने के बावजूद, बट ये तो तय हो गया था, उसने सोचा हुआ था, उसको लोगों को भी ये विश्वास हो गया कि अगर हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे एक साल के अंदर अंदर इंडिया आजाद हो जाएगा, उनको गांधी के वचन सत्य लगते थे। पर गांधी के वचन सत्य नहीं प्रूफ हुए, गांधी के चरखे से इंडिया को आजादी नहीं मिली, मींस एक साल के अंदर अंदर इंडिया आजाद नहीं हुआ। अब अंग्रेजों का राज कायम रहा, लोगों को था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में शुरू हुई, इंडिया आजाद हो जाएगा 1922 में, गांधी के वचन उनको सत्य लग रहे थे, पर सत्य प्रूफ नहीं हुए, तो लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ गई। अब लोग कितना टाइम अंग्रेजों के कपड़े बॉयकॉट करें, इंडियन कपड़े खादी के तो इतने महंगे होते थे, तो लोगों के बजट में आते ही नहीं थे खादी के कपड़े, तो लोगों ने फिर से अंग्रेजों के कपड़े खरीदने शुरू कर दिए क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थी लोगों के पास। और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस लोगों ने छोड़ दिए थे, कि सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी, सरकारी टीचर्स क्विट कर चुके थे, और गवर्नमेंट स्कूल्स में जो उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल्स थे उनमें से बच्चों ने अपनी स्कूल्स की पढ़ाइयां छोड़ दी थी। बट क्या हुआ, इंडिया को अगर ऐसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करनी थी तो इंडियन इंस्टीट्यूशन भी उसके पैरेलल खड़े होने चाहिए थे। मींस अगर टीचर्स जॉब छोड़ रहे हैं तो ये इंडियन गांधी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो टीचर्स को कह रहा है, लॉयर्स को कह रहा है कि अपनी जॉब्स क्विट करो, तो उनके लिए इंस्टीट्यूशंस भी क्रिएट करो, मींस जहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। कोई इंडियन स्कूल्स खोलते जहां पे ब्रिटिश स्कूल से छोड़ के टीचर्स सारे इंडियन स्कूल्स में जाके काम करते। तो प्रॉब्लम ये हुई, गांधी के वचन सत्य नहीं हुए, इंडिया एक साल के अंदर अंदर आजाद नहीं हुआ, लोगों का जीना बेहाल हो गया, खादी के कपड़े बहुत महंगे थे जो इंडिया में बनते थे, तो फिर लोगों को दोबारा से वापस बाहर वाले कपड़े ही खरीदने पड़े क्योंकि लोगों की औकात में नहीं वो कपड़े आ रहे थे। और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस तो इंडियन बच्चे, इंडियन टीचर्स, ये कई पुलिसमैन छोड़ रहे थे, बट अब फिर कहीं रोटी कहाँ से खानी थी, रोटी खाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो ज्वाइन करना चाहिए, पढ़ना था, इंडियन कोई स्कूल्स थे नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे नहीं, तो उनको वापस दोबारा से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाना पड़ा। मींस उनकी इतना उनको लेट डाउन होना पड़ा, उनकी इतनी ईगो हर्ट हुई इंडियंस की, जिन्होंने पहले तो छोड़ दी नौकरियां, बाद में उन्हीं इंस्टीट्यूशन में तड़फ तड़फ के नौकरियां उनको दोबारा से मिली। दैट्स इट।